अपने मन उस मंदिर में जिसमानी में जिस हर तरह की ताने बजाए, हर तरह की राग रख, हर तरह की वाणी, हर तरह के कलाम निरंतर 24 घंटे बजते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ऐसा मनुष्य मंदिर ये जिस्मानी में जीत रहेगी, लेकिन आप जब इसको भूल गए तो आपने अपना घाट बंद कर दिया, अपना दूर का घाट जब बंद हो गया तो आग बंद हो गई था, अब आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जब तक महात्मा न मिले और भेद न मिल जाए तब तक ये चीज आपको नहीं मिले। लाख किया करो, एक नहीं, लाख उपासना करो, लाखों व्रत करो और क्रियाएं, लाखों साधन ध्यान साधो, कुछ नहीं। घर बार छोड़ दो, कपड़े उतार दो, कुछ नहीं। पुत्र महात्मा मिल जाएगा, इसका जानकार प्राप्त करने वाला सब आपको नहीं मिलेगा। तो मंदिर जो टूटा पड़ा खड़ा है उसको कहते हैं टूट फूट गया। कोई दीवार चली गई, कोई ये चला गया, दरवाजा चला गया तो वो टूट गया, परस्पर उतर गया, खड़ा हो गया। अब वहां कोई पूजा करने भी नहीं जाता, ऐसा ही मनुष्य मंदिर खड़ा हो गया। अब कोई भी इंद्र पूजा नहीं करता, उसकी आरती के लिए एक बंदी की जरूरत भी खुद चल रही है, वहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपने इसको खड़ा कर दिया, आज इसको मतलब यह है कि मरम्मत करोगे तो ठीक हो सकता है, लेकिन मरम्मत को करे वो महात्मा। इसकी टूट फूट को लगाने मरम्मत करे तब तो ठीक हो सकता है, लेकिन जब आप उसी में लग गए तो वो टूट फूट गया और जर्जर हो गया, तो आपको अपने जीवन में कुछ नहीं मिला, खाली चले गए। ऐसा पुरुष मंदिर जिसमानी चाहिए है, लेकिन काबिल फकीर और अनुभवी पूरे महात्मा मिल जाए तो सब बन जाए। अरे कोई बच्चा बनने वाला नहीं, चाहे कितने भी उपाय कर लो कुछ अधेरे अधेरा और सभी के निराधार, सूरज को कोई आधार अपना नहीं मिलता और सूरज का आधार अपने हाथ पर है। जब यहां बैठोगे तब मतलब एक ही मिलेगा आधार, और नहीं बैठोगे तो कभी मिलने वाला नहीं। मन और सूरज और उस पर स्त्रियों पर बैठा हुआ भागता रहेगा, इंद्रियां घोड़े उसमें सवार हो गया भागता, चलो वहां पहाड़ों में चले, चलो वहां चलेंगे, चलो वहां चलेंगे, बस मान सरोवर बाहर में रहता है बड़ा है, तो चलो पूरब में, चलो दक्षिण में, चलो इधर कुछ नहीं मिला, यही भाषा रहेगा भारत में। और श्वासों की पूंजी तो दम टूट गया, खत्म हुई तो दम टूटा और वही जल गया। लौट करके कौन खबर देगा कि कौन सा हो गया, जो सुनेगा समझेगा उठा के फेंक देगा कार में, कोई मना नहीं। इसलिए मनुष्य मंदिर है, महात्माओं की खोज करो, जो रास्ता जानता है वो बताएगा तो मनुष्य मंदिर हरा भरा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। रौनक आ जाए जो रौनक, अब आप बड़े ध्यान से सुनो,
सुन कर मन समझा। मैं घाट पर दोनों रहिए, दोनों आंखों के घाट इसको अंदर वो अपने दृष्टि करो और काम करो और प्रयास करके सुनो सुनो और देखो। तो जब मन को समझाओगे कि हमारा साथी तो कभी कभी लग जाएगा, आपके कहने में आ जाएगा कि अच्छा ठीक करो हम चाहते हैं तो मन चाहते थे तो उसे कहो कि चलो तुम खबर हो नाम पकड़ो सब खबर तो कभी पकड़ेगा नाम को पकड़ेगा आवाज सुनेगा कुछ उपान करो इंद्रियों के दरवाजों पर इस पर सवाल हो गया दौड़ रहा कहीं कुछ नहीं मिलता है तो चुप हो जाएगा और धुन में उसे आनंद मिलेगा रस मिलेगा कुछ सीधा हो जाएगा तब तो सूरज कृपा देवी के गुरु देखिए जो घाट पर समेट करके ले आए और मन को सूरज का मेल कराए जब सूरत मनी हो जाए तो फिर सत्य के साथ मन सूरत को जोड़े ऐसा चाहिए तो महापुर सुने कहा वही मन कैसे मानेगा सत्य को सुने का तब मान जाएगा क्योंकि इसमें रस नहीं है न देखने में न सुनने में न जिद्या में है न स्पर्श में किसी में अब उसमें है रस आलू तो चुप हो जाएगा साथ तब उसकी समझ गया है अरे तुम्हारा आनंद तो यहाँ है तो वहां तो बांटते बांटते हैं तुम भी परेशान हम भी परेशान अब गुरु ने जो बताया है इससे तुमको पूरा आनंद पूरा स्थान और जहां से आए वो खत्म जाए तो मैं तुमको तकलीफ होगी नाम की तो मन सुन सुन कर समझावे तुमको सुनोगे चुप हो जाए बिना तुमके खुले बिना तुमके सुने किसी को शंका नहीं जा सकती इससे कई पड़े बहुत जतन से यह नहीं माने सुन सुन कर मन समझाए क्या कितने उपाय करो इसलिए उपाय करो ठंगे रहो खाओ व्रत रखो खड़े रहो एक व्रत ये सब करो माफ करो परिवार छोड़ दो किताबें पढ़ते रहो कुछ जब तुम सुनने में जब मिले जिसको बोलता हूँ पति पत्र करेगा बिना नाम के बिना तुम के कोई पत्र नहीं करेगा दोनों आंखों में चारों तरफ बैठा है मन उल्टी की और अहंकार इस चारों तरफ घेर करके बैठे तो पैसे मार जाते बहुत तक बहुत उपाय किए नहीं हमें कितने समय तक लोग उल्टे पेड़ों पर थके रहे वायु का हार करते रहे झूठते रहे तभी कुछ नहीं था माया ने तभी इनको असली चकमा दे करके बुला बहुत बहुत भाग्य कठोर से कठोर एक ही सत्य से आवाज सुनो कमावे अपनी ज्ञानी ज्ञान कराए तरह तरह का ज्ञान और योग क्रिया तरह तरह कोई प्राणायाम कोई चाचरी कोई श्री कोई तीसरी कोई अवस्त्री कोई मुद्रा जी इसको करते रहते हैं कलयुग ने तो तय कर दिया न ये कोई योग करना न जप करना न तप करना न ज्ञान है न ध्यान केवल मतलब है कि नाम को
कलर है पीला है कोई शक्ति मुझे बहुत अधिक है खान पान आपको ठीक रखना पड़ेगा मजरा सत्संग मिलना तो पूरा शरीर पाप रंग हो जाएगा बेकार हो जाएगा इसमें कुछ नहीं तो सीधा रास्ता है इतना प्रोबल होता है और सुना रही है आपको क्यों पास सुनते तो है तब करते हैं सारा भजन सुनते हैं सुनाई देते कभी आती है कभी रोज आती है कभी जोर से आती है कभी देर से आती है कभी इतनी जोर से आती है कि सहन नहीं होता लेकिन मन को कितना आनंदित कर इतने ज्यादा लगाव था सरकार में इसकी वजह से देर लगती स्वास्थ्य समय ज्ञान भजन समृद्ध के थोड़ा सा इधर से हटा दो तो जल्दी काम हो जाए इधर लगाए रहोगे और समृद्ध घरों में लगाए रहोगे ध्यान लगा रहेगा तो भजन और ये सोचते रहोगे कि मैं उम्र मर जाऊं पर्वत है तो जीते ही मर जाऊं सत्य के साथ जोड़ लो और खजा हो जाए तो चले जाओ डर बन तो जीवन मन तक हो रहा हो जीते ही मर जाओ अजय वो कनक की आप समरस रक्षक सतुरुष मत्मा हुए सुखना ऐसे सेवक कोई तक गीता बोल अब डरते रहते हो डर डराए रहते मोह खेलता मक्ता की तो खेलता तरह तरह की बच्चन एक ही आपने वासना में जवा रखी होगी तो आपने में कमजोरी है इसकी वजह बोलो तपती तप कर थक रहे हैं जती रहे जतला शरीर को दबाते यहाँ आग रख लेते तपना ज्ञानी ध्यान मान सीला वह भी धक्का खाए मानसी ध्यान मेरा आधार उसका तो ध्यान करते हैं सब धोखा ही है आए तो सब गंदी को पकड़ के नाम को पकड़ और जब वो अपने स्वर से गए तो नाम को पकड़ के चली गई उस समय तो कोई बदलता नहीं ये तो बहुत समय के बाद कितनी सोचते मानस के लिए अब मेरे से पहुंचे जब उन्होंने देखा ये सब जा रहे हैं तो ये अकेले जाएंगे तो हमारा राज कैसे करेंगे अकेले रह जाएंगे तब उन्होंने ये सब सोच करके बंधन लगाया ऐसे नहीं पहले पूछे ना कोई पास था ना पूछता ना अच्छा था ना बुरा था ना कोई न्यायाधीश थे ना कोई देखना ना कोई पढ़ने वाले कुछ नहीं ना कोई किताब थी सब लोग आए सब वापस आप पुलिस भी खा खुले थे नाम पकड़ा वापस हो क्योंकि रोक तो सोची नहीं अब ये जब बंधन लगा दिया विधान बना सकते तब आप इससे होती है पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने विद्या बन सब जाए यह कि विद्या पढ़ी तो अहंकार आ गया और लोगों को सुनाते तो उन्होंने कुछ नहीं मिला उन्होंने कुछ नहीं उनसे पूछा जाए कि भाई मुक्ति की बात करते तुमको मुक्ति मिली तुमने तो कुछ देखा ही नहीं जो कोई पढ़ा था वो पता नहीं है वो सुनाते रहे आप कुछ कह रहे आप कुछ सब कह रहे हैं पर बता रहा तो कुछ दे नहीं सका आप कुछ सब दे नहीं सका क्योंकि उसके बाद तो बता नहीं तो वो इतने भूल के अपने अहंकार करते हैं हमको विद्या को इन भक्तों से अहंकार कि हम तो विद्या पढ़े थे बुद्धि चतुरता काम न आवे आलिम रहे पछताई अरे मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार इनका सत्पथ है दल कमल में सत्पथ ये
गीता स्थान में सुनते इस पर मन, इस पर चित, इस पर अहंकार, ये सब मतलब ये बैठे जब तुरंत उधर से आएगी तो सिद्धार्थ लगा दिया। ये कोई मन बुद्धि चित्र जो है अहंकार, ये कोई तुरंत थोड़ी है, कोई चेतन नहीं है। चेतन तो चेतन तक इसके साथ लगा दिया, तो ये तो चेतन थी इसके साथ हो रही थी जो है हर जब करते वो निकल जाती तब तो ये नहीं रहते तभी साथ देख सकते न खा सुख सकते न बॉडी मुंह से कुछ नहीं सारा खेल तुरंत का है। फिर ये अपने आप संसार में नहीं जाते इसे पहुंच जाएंगे अपने अंदर, तो जब तक नहीं जाएंगे तब तक इस चतुर्थ कार कब करू कुमार ये और ऐसे लोग उसको पा नहीं सकते। और अमन का दखल नहीं है, अमन का कलाई और किसी भी लगे हो किसी चीज के भी हो कुछ ना कुछ कोई ऐसा अगर आप सब को पकड़ लें नाम और अपनी जो लगा दे वही है हम ये सच्चा रहता है। एक समय नजर चल गया तो उतरता नहीं दुनिया एक तरफ हुआ कुछ नहीं होता तो नाम आवाज विश्वास तो उसका भी दो चार ना उनको ये नजर मिला तो ये नजर जो दो घंटे चार घंटे में उतर के बैठती है। बोलो गुरु मिले जब झुमका बेटी दोनों बात है गुरु मिलना जाए झुनका भेद और सूर्य ग्रह हो कि वो मालिक को पाना चाहे उसमें ये तरफ गुरु मिले उसका झुनका भेद और सूर्य हो कि मालिक का तरफ शीघ्र शीघ्र काम बनेगा। बोलो सूरत साथ की हो ये कमाई तब मन कुछ ठहराई, जब सूरत सब की कमाई करोगे तो ये मन सब ठहरेगा, दूसरा ऐसा कोई उपाय नहीं रुकने का कोई उपाय नहीं। चाहते हो लोग जो है मरा रही रहते किसी भी नाम पर जा सकते मन भाग रहा आपसे बात कर रहे हो उससे बात कर रहे हो उनसे जा रहा हूं एक क्षण भी नहीं रुकता मेरा संत के मन पर नहीं लगता तो संत की कमाई तो बन करनी जाए और वो किसी को मालूम नहीं की जरूरी है यही अपनी चीज है। अब अच्छे चीज की खोज भी नहीं करते हो एक तो यह तुम बेदी भी नहीं मिलते और फिर आप मुझे रह नहीं चाह भी नहीं हो से हाथ न आवे तन मन देव चढ़ाए। मेरे पास क्या है मेरे पास धन है और मैं ये हूँ मेरे पास फल है मेरे पास प्रभाव है रुचि जाता हूँ तो कहते हैं वो कभी पता नहीं और ना मिलेगी तंत्र का पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इसमें पता पड़ा चिंता जब आएगी और ये कुमारी ये बना की उतर जाएगी तब 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 हाथ में आए तब सुनने वो और पकड़ने में तब जाएगा हर चीज के उपाय तमाम कूड़ा कचरा ला दे कैसे तब मिले तब तो जाता है बोलता है तब में ये सब में क्या है तब देखता है सबके अंदर सब कुछ है तो वो कहते मतलब क्या आपको कहते विश्वास करें क्योंकि आपने जो कोई विश्वास किया नहीं तो आप क्या मांग रहे बोलो भोलावती और कपटी जन को नेक न धुन जो भी कपटी हो बनावटी हो अहंकारी हो बुद्धि हो उनको कभी धुन फट जाएगी नहीं क्योंकि तो चेतन है विश्वास नहीं फट गया
ये सब प्रणव जी कुमार और चार ये सब पत्र पकड़ देना चाहिए। दीन गरीबी ये रिजुका मत रास्ता प्रभु को पाने का, दीन गरीबी ये रास्ता उसे पाने का है। और दीन गरीब हो नहीं, तुम अमीर हो बादशाह है लेकिन दीन का है, और उनसे गरीब तो पाने आ जाए। और बहुत लोगों ने राजनीति में बैठे हुए चिंता रही किसी भी रही क्यों वो समझते रहे कि मेरा धर्म है, वो ये तो एक जगह पर बैठा दिया है तो मतलब यह है कि मैं दूसरे की रखवाली करता हूं, मेरा तो इसमें कुछ है नहीं। तुम्हारी तरफ से होगी गरीब, जब ये सोचेगा ये तो सबका धन है हमारा प्रेस, तो उसमें चिंता और गरीबी आ गई। महात्मा मिल गए तो उनको जब भेद बताया तो जल्दी पकड़ लिया, बस सब छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, सच ये होता है। आप सब चीज पकड़े रहो गौ की गरीब, आपका नहीं है दूसरे का, ये आपको पूरा विवेक रखना होगा। कोई चीज हमारी नहीं सुनते, हम उसकी चीज बंद करें काम कर दूसरों को धोखा दे बहुत कुछ है, फिर काम करो। यह धुन है धुर लोक आधार की, कोई पकड़े संत सिपाही। जो घाट पर धुन आ रही है जब सरकारा आवाज आ रही पानी आ रही वो अलग है, जहां सत्ता आधार है वही से सब हुआ और वही जाके समा जाए वो बाढ़ है। तो जो चीज उन्होंने बात कर दी अपने देश में बताना बात कर दिया, बताने में जो नीचे सुन गई थी तो इनको दे दिया सुल्तान भगवान, जिन्होंने समस्या की दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है तुमने कर दिया तो हम दूसरे तुमको देते, ये लोग इनको आराम से रखना तो ले आए तो आराम से नहीं रखेंगे तो काम ले जाएंगे वापिस सब पूरे जाएंगे इनको नहीं छोड़ी। तब उन्होंने सोचा तो इसके तरह से क्या किया जाए, सुनता उन्होंने लगा करके तब आपको अच्छा किया है तो ये आधार से आवाज आ रही और उसी की आवाज पर सब लिखा हुए जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश स्वर्ग वैकुंठ सबका लोग ब्रह्म का लोग पात्र का साप ये जितने भी लोग लोकांतर सब उसी की आवाज पर ऐसे साफ खेत कर लिखते और जितने भी सुनते हैं सब उसी की आवाज बस यहाँ आई तो आवाज छूटी बस सब बता ले इसलिए आपको अपनी चेतना अपना हो जाता कि हम कौन है। अभी जब आप इसके लिए रूम में रहते थे जो जगह हुआ रूम आप कुछ खा ले धीरे से चिंत लेकर के धीरे समझा बता सकते ऐसा होना मन को मार कराए अपवारी गगन कोटवा दे घेरा। मन को मारो इंद्रियों को दमन करो और अंतर ध्वनि के साथ छोड़ो तो फिर ऊपर में चढ़ो जो गगन में जो कोट है वो कहते हैं किला उनको तो करना उन्होंने किला लगाना था कोई बात के जाने ना ये बात लगा रही तो प्रेमी जो वक्त होते हैं आज जिनमें तड़प होती है जिनमें चाह होती है
करुणा का परमात्मा। चलते चलो चलते चलो और आकाश टूटते चले। सबने अपने अपने हथबंदी में घेरा डाल रखा रखा दिया, दरवाजा न बंद रहे दरवाजा, तो जब तक बेटी नहीं मिलेगा तब तक कोई दरवाजे नहीं कमर पे दरवाजा लगाया, नीचे भी लगा दिया। जिस चीज से बैठी है दोनों आंखों के तुरंत बैठी है तो सामने तो नल का दरवाजा बंद हो गया, कुछ पर्दा पड़ा वो दरवाजा बंद, तीनों के लिए उन्हें जाओ मन सत्य है पर उनको बंद करना है। और गुरु की कृपा से जब सब पकड़ के चढ़ोगे तब टूट जाएंगे, टूट जाएंगे जो सब खींचेगा वो सब टूटता चला गया और तुरंत वो मन सागर ज्ञान बिना सत्य के ना ज्ञान मिलेगा ना सत्य ना आनंद मिलेगा ना अमृत मिलेगा। गुरु की जरूरत तो काम नहीं बनेगा, गुरु भी वो कहते हैं जो सबसे सबसे जब मतलब यह है कि मंजिलों के तत्व को जानता है और अपने देश में आता जाता है उसको कहते हैं सबसे अंधा पैरा नहीं। हमारे गुफा का फाटक तोड़ा इस महान सतगुरु दिखलाई, कहते हर जगह सतगुरु मिले और सब दिखाते जाते इतने महल है, महल तो सभी मंडलों में बड़े बड़े महल, लेकिन वहां जो देखने को मिलता है वो यहां समझा नहीं पाओ कि कहने में नहीं आता, सारे में तो आ जाएगा कि यहां उसका कोई आकार यदि मसाले का होगा उसको समझा के तो आ जाएगा, लेकिन वहां की समझाने में नहीं आई। ऐसा अद्भुत लीला अजब वहां की किरण किरण सूरज दरबार, कितनी कर ले ना कोई गिर सके ना कोई गिर सके, और कहते किरण किरण सूरज अरब करब कहो मास्क कहो कुछ उसके सामने कुछ ऐसा चरण है। सागर को ये तरफ जब उसको मिल जाए कि तुम्हारा वहां घर है ये रास्ता है और यहां से ये यहां से ये अपने घर पहुंचता है, बीच में ये रात मिलेगी, ये बड़े बड़े शहर मिले को आरोप ना नहीं, इसमें ये आनंद होगा इसमें ये तो सागर जब जान जाएगा और चल देगा उसको ये सनत करते घर में जाए और वो सच्चे रूप का नर्थ जाता है जो उसका सबूत करता है, तो गुरु उसका सपोर्ट करा देगा, आंखों से ही बोध कराता है कि ये है उसका सत्र इस तरह जो होता है यहां में रोटी है या वो वहां सती सत्य है। सूरज सूरज ज्योत निराली चंद्र चंद्र कोटि न चंद्र, अलग अलग कितनी ज्योति एक एक किरण में सब एक कितने सूरज चांद लगे हुए और उसमें उनमें से जो प्रकाश निकलता है उसमें कितने मतलब जन्मा समय फिर भी चंद्र है आदमी आप वहां से इतना जो इतना समय हो गया वहां से इसके भूल गए और जब ऊपर चलोगे तो आप पहुंचे कि याद आती जाएगी मैं इतना आपसे आया था, सब याद आएगी ये रास्ता हमारे आने का है, इसी रास्ते से मैं आया था अब ये रास्ता खुला है, पूरा तो पूरा बहुत हो जाएगा क्या मतलब मैं जानू। हाँ ये सब
ہمارے سے پکڑ کر کے اور یہاں چھوٹ گیا. یہ سر سب نے سنا, مجھے اگر نہیں یہ سب سنا ہر چیز کو پہچان لوں سب گھٹ آکاش آؤ گھٹ پر کاتا لکھ آکاش کو تین پر بھائی مطلب ہے کتنے بھگوان ہے بے شمار لوگ ان میں سبھی نہیں کیا ہو رہے یا یہاں بس تھوڑا سا کوئی چڑی اندر ہو نہیں سکتا بھائی کھانے پینے دیکھنے کو دیکھو کچھ نہیں چلے چلو یہ ٹھیک نہیں وہاں کیا ہوگا چلو یہ ٹھیک نہیں وہاں وہاں دیکھتے رہ جا تمہاری اچھا ہر وہ پر دکھ نظر نہیں آ جاتی دیکھتے رہ اور دیکھتے دیکھتے یار مطلب چلو گے ایسا دل ایسے پہچانے کے پہچان دے تو پہچان پہچانے یہ لیلا کچھ عجب پیش کی الٹ پلٹ کوئی گرمکھ پائے بھائی جو گرمکھ گرو آگیا میں چلے دربان کہتے یہ لیلا ہو سکے اور بات اپنے کو ایسا بدلا ذرا ذرا دیر بڑک رہے اس کی چھٹ کر ہم نہیں یہ نہیں ہم جا رہے ہیں سمجھ گئے ہم نہیں آئیں گے ہم کو سب گرمی سننا بجٹ نہیں کریں گے ذرا ذرا کیسے چھپ جا سکوں گی کوئی بھی چیز میں تو روکتا ہے کھانا کھانی دربار وہ جو اپنے کو سنا ہوا ہے وہ پڑ رہا ہے کہنے بھی نہیں آ سکتا یہ کہنے بھی نہیں آ اکے نہیں جو مانگ سے کھا نہ جائے ہاتھ سے ٹکا نہ جائے وہ اکے جو یہاں سے وہاں ماں سروور راگ راج اور اس سے پرے یہ سب جلدی سے اپنا کرتا وہ پار اتر جائے گا سمجھ بوجھ گے گر کھائی اکٹھ اکا کی بات بھائی وہی پوچھ سکتا ہے جو ہم پہنچ گیا جس کو پہنچایا وہ پوچھے گا اور جس کے آپ کے اس میں جی ہوگا اس کے اندر ہوگا یہ تو پوچھے گا اور ان کو سب کہنا پڑے گا کہتے کوئی آپ کا پوچھو آپ کیا جانتے ہیں پوچھو جانکار پوچھتا ہے انجان کیا پوچھے گا اس دور میں بچوں کو پڑھاتے ہیں جانکار نہیں ہے کیا پوچھے گا کیا تو اچھا کوئی بتائے گا آج ہی دے دیجیے تو نام دہ دے کے چلے جاؤ گھر بیٹھ جاؤ جب تک تم سنو گے نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو گھر بیٹھ جاؤ کیا کر لکھو گئے بہت سے نامدار نے پوچھ لیا
ट्रेनिंग किया जाता है, नहीं कुछ कर रहे हो, चले क्या कर रहे हो, इसमें जान से फंस गए तो उसको दौड़ना सब कुछ माना है, इसको कुछ क्या करो, समझ आए कुछ भी सब कुछ सत्संग छोड़ो, समझ कर अब आपको कैसे रहना साधार भजन करना चाहते हो, जीवात्मा को 84 लक्ष्मों से बचाना चाहते तो आप क्या कार्य करो, जितने अनाज मोटे महीस और जितनी सब्जियां सूखे की निर्माण आपको मिल सके तो आप विश्वास करो, लेकिन ये स्वतः है पशु पक्षी का आदमी का स्वतः मुर्दे का आदमी जो शरीर छोड़ के चल दिया मुर्दा उसके छोटे पिछले का छूट नहीं जाएगी स्वतार को और कोई ग्रस्त नहीं छोड़ घर में रहते घर में रहो बाल बच्चों में रहो मजदूरी है खेती है दुकान है डॉक्टर काम करो उसके लिए कोई बुला नहीं किसी ईमानदारी का जिससे सबको बरकत मिलती रहे और बाल बच्चों को सुना पड़ता रहे कोई कमी न हो तो फर्क तकलीफ दे रहा हो ईमानदारी मेहनत के साथ उसकी दुआ बन जाएगी आतंकवाद सबसे बड़ी प्रत्यक्ष होगी कि तुम शरीर से स्वस्थ रहो बच्चे स्वस्थ रहे बच्चिया स्वस्थ रहे कोई रोगी कोई कोई मतलब है बीमार अपाई उसका नाम बहुत तुम मानते रहे हो ईमानदारी में नस्ल के भी दुकान दफ्तर के काम यूज करो आप पुलिस में तुमको प्रतिफल मिलेगा और तुम कहते हो हम कहते हो वहां काम चलेगा खर्चा कैसे चलेगा ये कहते हो वो कहते तो तू आशीर्वाद तो गिर गया और आप अपने पद से ये काम कर रहे हो ये लड़का बीमार वो लड़की बीमार तो वो जो बीमार तो भाई बीमार तो पिता बीमार तो पत्नी बीमार तो ये चक्करदार तो आपको तो सीधी बात बताई जाती करके तो देखो उसी दिन पूरा पड़ेगा अच्छी तरह जब तुम्हारा बीमारी में नहीं कुछ लगेगा तो मैं चुकी हूँ जितना कमाते हो उससे आधा जाता तो बीमारी तो घर में और खाने पीने में चाहिए अगर 10,000 पाते हो तो 30,000 का खर्चा बीमारी उधार ले लिया और ब्याज चढ़ा तू तो वैसे ही फकीर रहेगा सदा रोता रहेगा वो खर्चा लाते रहेगा देता रहेगा देखो तो सर कैसे मानो ये नहीं माता राजीव के उत्साह आशीर्वाद बड़ी पूरा जो है खुदा की बड़ी अभी देखो तुम तुम्हारा परिवार तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा देश सब नुकसान होता है नहीं करोगे तो आपने कोई चीज तो छोड़ा ही नहीं कपड़े पहनो अच्छे या मोटे जो भी मैं रहो तुम्हारे
अभिनायक मैं जानता हूं कि हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी शक्ति है। पागल हो गया ये क्या बोलते हो, मना किया जाता है तो नहीं मानते उसमें क्या करो इसलिए और रस्ता आपको बता दे घर में आए लेकर के बाल बच्चों को खिलाया खुद खाया और रास्ता बताते हैं तो सेवा की बच्चों की उसके बाद में कोई काम नहीं है तो ये करते तो ये करते काम खुद लोग अगर मैं लगा दू तो तुम्हारा यह दरवाजा खुल गया और जो बात बताई जाती सब सुनने लगे सब काम हो जाए जिंदगी में पहले इधर सब बाईस घंटे बैठे होते अपना खेती है दुकान तक चलता है सोना है यह है कोई दूसरे को खेत को देखता तो दिन भर तो कठिन है ऐसे बैठे रहो तुम्हें जो थोड़े खराब करते हो उसी वैसे हमने थोड़ा मांगा एक अच्छा दूसरे का सत्ता आपको बजट में लगा दिया साहब को जानकारी देना डाक्टर हाथ पाने के बाद फिर नहीं जो पहले अनजान में किया हो तो किया उसी को माफ करा दी आगे नहीं और तुम आगे जब करोगे तो सत्ता पूरा तुम पर और लगेगा कर्जा न दिया है तो तेरा तो कभी किसी जीवन में नहीं छुटकारा ऐसा मतलब जो मूल रूप से हुआ उसी के मौत ही दरान हो गया हूं कभी तो पूजी ने तुमको घर से बात कहा नहीं काम काज छुड़ाया नहीं कपड़े लगने छुड़ाए नहीं कारण से छुड़ाए नहीं फिर गाय बात की धक्का किस बात की धक्का ये जरूर एक एक अच्छा कर रहे भजन जीव कल्याण के लिए जीतों का पूछने के लिए दो गरीब के लिए तो पाए बच्चे देते हो जीवात्मा के लिए तो बच्चे दो बहुत जो चार पांच मिनट काम में आए जो ही चार पांच मिनट काम में आएगा उसको बाकी से तक तुम्हारा चला जाएगा तो कुछ समय के बाद लगेगा तब तक 10 मिनट 15 मिनट तुम सत्रह सौ समय चर्चा करके खुद समय से होगी ऐसे ही मतलब ऐसे ही चला जाए जिनके भी मकान किराए के मकान जिनके ना साधु जुटा दे वो जीवन काल भी कुछ नहीं इतनी मेहनत करते और ये समझते नहीं कि आपको नाम नाम से चलता जब नाम नाम दिया जाए तो आप किसी को बताना क्या हमको ये कोई छुपा के रखो ये भोग नहीं ये छुपा के रखा जाता है कह दिया तुम्हारे पास कुछ नहीं था उसको छुपा के रखो किसी ने कुछ भी कहता अब भजन करो जब आंख से देखो आंख खुल जाए काम खुल जाए और सुनने देखने लगो तो किसी ने मत कहो क्योंकि जब तुम किसी से चलोगे तो ऊपर बैठा हुआ नाराज हो जाएगा बंद कर लेना क्यों ऐसा करना अगर तुम उनसे कहो कि हम ये देखते हैं तो वो जान देगा बड़ी उल्टी बात करेगा तो उसको तो उस वाली तुम सही देखोगे सही तुम सब वो होगा नहीं तुम क्रोध हो जाओगे तुमने कहा था इसलिए सब आपको समझाए जाते हैं छुपा कर और ये छुपा के ही करो अब आप ऐसे बैठ के हम आपको नाम जानते हैं मान लो आराम तो जो जो नाम हम बोलेंगे तीन सात एक आवाज से बोल जो नाम हम बोलेंगे उसके बोलते जाओ जो जो नाम बोलते जा बोलते जाना और जब हम चुप हो जाए ऐसे बैठ जाओ और हमारी तरफ देखो ध्यान देखो तुम तो अपनी आंखें खोले रहो हम आग बंद कर दे तो जो नाम बोले उसको बोलिए ना तो ऐसे भी कहता रहता आवाज निकाल
लगे कि आप शुद्ध बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, कि हमको जानने की जरूरत है नहीं, थोड़ा शुद्ध ही बोलते हैं तो ठीक से जब हम चुप हो जाएंगे तो आप इसको कहते हैं नामदान। नामदान कहते हैं जीवात्मों के धन का दान, लेकिन नामदान कहते हैं रूहों को खुदाई का जाना। आपके मन पहले की शिक्षा अलग थी, अब तो ये नाम का अलग है, ये उस शिक्षा के साथ मंत्र के साथ यहाँ लाख रहे तो लाख को और हजार रहे तो हजार को, दो रहे तो दो बैठा के नाम का होता है। जो जो नाम बोलेंगे आप उसको जाना बोलो आगे पर यारी का ये द्वार है, किधर देखो दोनों आंखों के बंद तुरंत प्रार्थना करती है, मेरे प्यारे गुरु दाता मेरे द्वारे खड़ा प्यारे गुरु दाता द्वारे सत्संग मैदान में भाई लोग झोला लिए हुए खड़े हैं, उनको दे दें, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। जो लोग गाड़ियों से यहां पर आए हुए हैं खड़े हो जाओ,
अरे गाड़ी पे कहां से भाग रहे आप लोग? अरे पीछे गाड़ी से। काम का डाक काम करने काम कर रहे हो।